हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड बेक विद कविता। आज का रेसिपी कीमा पराठे का है। गेहूं के आटे से चिकन कीमा पराठा बनाएंगे। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वेरी फिलिंग एंड एक्सट्रीमली डिलीशियस एंड टेस्टी भी है। और ये पराठा अचार या रायता के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। मैंने यहाँ 300 ग्राम चिकन मिंस लिया है। उसमें एक टीस्पून नमक और एक टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर, उसी के साथ एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, उसी के साथ डालेंगे आधा इंच चॉप किया हुआ अदरक, 5-6 क्लोव्स लहसुन, 2 हरी मिर्च चॉप किया हुआ है और एक छोटा सा प्याज और एक चॉप किया हुआ टमाटो। और साथ में डालेंगे हैंडफुल ऑफ पुदीना और फ्रेश धनिया भी साथ में डाल के इसको मिलाएंगे। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको 20 मिनट तक मैरिनेट करने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं पराठे के लिए डो बनाने के लिए। यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया, आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और आधा टीस्पून अजवाइन और 1-2 टेबलस्पून तेल डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे और पानी डाल के एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। डो के ऊपर तेल अप्लाई करके इसे 10 मिनट तक साइड में रखेंगे। अब चलते हैं कीमा स्टफिंग बनाने के लिए। यहाँ मैंने पैन में 1 टेबलस्पून तेल डाल के मैरिनेटेड कीमा डाला है और इसे हाई फ्लेम में 3-4 सेकंड्स तक कुक करने के लिए छोड़ देंगे और वैसा इसका वाटर अब्जॉर्ब होगा, तब तक इसको हाई फ्लेम में कुक करेंगे। ये कीमा तो चिकन का है, इन केस ऑफ मटन का रहता तो उसको ज़्यादा टाइम लगता था। अभी हमारा चिकन कीमा रेडी हो गया है। अब चलते हैं स्टफ्ड पराठा बनाने के लिए। यहाँ मैंने मीडियम साइज का डो बॉल बना दिया है। इट डिपेंड्स ऑन आपको कितना बड़ा पराठा बनाना है, उसका हिसाब से आप लोग ही बना सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया। अब हम इसे रोल करेंगे। पूरा रोल नहीं करना है, जितनी बड़ी पूरी होती है ना उतना ही बड़ा इसे रोल कर लेंगे। अब कीमा स्टफिंग डाल देंगे। मैंने यहाँ 2 स्पून कीमा स्टफिंग लिया है। ऐसे सेंटर में रखेंगे और इसे किनारों को साथ में लेके ऐसा सील करना है और इसे ऐसा बंद करेंगे और हल्का सा प्रेस करके सूखा आटा डाल के जेंटली इसे फिर से रोल करेंगे। पराठा थोड़ा थिक रहना चाहिए, ऐसे ही अभी दिखाया जैसा ही। ऐसे हम दूसरे सारे लोई का पराठा बनाएंगे सेम प्रोसेस पे। सब बिजर्स को साथ में मिला के इसको वैसे सील करेंगे और अच्छे से बंद करके इसको जेंटली प्रेस करेंगे। इनफैक्ट वी विल रोल द चपाती। तो सारे पराठे बना लिया है। अब हम इसको सेक लेंगे। गरम तवा पे इसे डालें और इसे 4-5 सेकेंड तक पलट लें और इसके ऊपर बटर या घी डाल के जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं और तेल भी डाल सकते हैं। ऐसे ही सारे पराठे सेक लेंगे। ये है हमारा कीमा पराठा तैयार हुआ है। ये आप अचार या रायता के साथ भी खा सकते हैं। एंड यू कैन ऐड द बटर जस्ट बिफोर सर्विंग द कीमा पराठा। मैं यहाँ पराठा आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ओ या, इट्स वेरी डिलीशियस विद रायता। आप ये ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक। और ऑल्सो आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। एंड मेरे चैनल को कुक एंड बेक विद कविता को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक एंड बेक विद कविता।